बहादुरपुर हम लोग वहाँ पर खड़े हैं। आइए जानते हैं यहाँ की जनता क्या कह रही है। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं और चुनाव के फेस में भी है। जैन साहब क्या हालचाल है? सर बहुत बढ़िया है। मतलब क्या सरकार की क्या स्थिति है? सरकार भाजपा की सरकार तो बन चुकी है ऑलरेडी, मात्र अकेला बहुमत से वैसी बन गई। नहीं वैसे क्या बन गई है भाजपा तो बहुमत है। नहीं नहीं साठ गांठ नहीं हो गई, अभी निर्दलीय भाजपा के पक्ष में आ चुके हैं ऑलरेडी, वैसे भी है मतलब तो भाजपा की सरकार तो बन चुकी है। ये तो के लिए हाँ बन चुकी है, डालने की देरी है, वोट डालने की देरी है। और बीजेपी भी कांग्रेस वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं। अरे वो कांग्रेस वाले तो चिल्ला ही रहे। मतलब जो बृजन सिंह ने सही करे कैसा? हाँ बृजन सिंह ने सही किया, महाराज साहब के साथ अन्याय हुआ है, महाराज साहब का क्षेत्र है तो महाराज के सम्मान है। बृजन सिंह मैदान में आ गए, पार्टी छोड़ दी। हाँ पार्टी छोड़ दी, महाराज साहब के साथ थे, बृजन सिंह की पहचान महाराज साहब थे। अच्छा महाराज साहब वोट दिलवा रहे थे? हाँ महाराज साहब वोट नहीं, महाराज साहब दिलवा रहे थे और महाराज साहब के वजह से जनता वोट नहीं दे रही थी, जनता तो दे ही रही थी वोट। अच्छा बृजन सिंह ने सही करे? नहीं नहीं बृजन सिंह ने सही किया। क्या है कि 15 महीने में विकास नाम की कोई इस तहसील में, ये शिवराज सिंह जी की देन है। बहादुरपुर तहसील, बहादुरपुर में स्मार्ट सिटी मंगावली शिवराज सिंह जी की देन है। स्मार्ट सिटी बनी मंगावली? नहीं तो उसका कार्य योजना बिल्कुल बन चुकी है और शुरू भी हो चुका है कार्य। और दूसरा क्या है, 15 महीने में जब आप एक नल हैडपम्प नहीं लगवा सके अपनी विधानसभा में, तो क्या बृजन सिंह जी ने क्या गलत किया? बहुत अच्छा किया, पूरे मध्य प्रदेश को देखने के लिए ठीक है हम नहीं गए, हम अपनी विधानसभा हमना अपना ग्राम तो देखेंगे। ग्राम में देखा है कि कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई थाने कचहरी के कोई सुन ही नहीं रहा। मतलब गवर्नमेंट बैठी है और गवर्नमेंट का विधायक बैठा है और उसकी कोई सुनाई नहीं है। 15 साल में क्या होगा? बड़े अच्छे काम। अरे 15 साल में क्या नहीं हुआ, सब हमारे लिए तहसील मिल गई, बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि। कॉलेज के लिए संकल्प पत्र में दे दिया है, कॉलेज हो रहा है। हम अपने गांव का विकास चाहते हैं और विकास के साथ बृजन सिंह जी और महाराज भी विकास के साथ गए। पहले कांग्रेस के विधायक थे, अभी भी तो विकास कर रहे हैं। विकास कहाँ से, ऊपर कोई सुनवाई नहीं थी। अच्छा मुख्यमंत्री जी उनकी गवर्नमेंट के विधायक से मिलने के लिए समय नहीं देते थे, 5 मिनट का आरोप जो लगा रही है बृजन सिंह जी भू माफिया है और खनन माफिया है। देखिए नहीं चल पाई सोई पे चक्कर। देखिए भू माफिया कोई आधारहीन कोई तत्व तो हो। बृजन सिंह जी बहुत ही सभ्य सज्जन आदमी हैं। अब हम तो क्या है कि पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं। बृजन भैया 3 चुनाव में देख चुके हैं, वो यहाँ सरलता से हर एक कार्यकर्ता से मिलते हैं, हर कोई से भूमापिया नाम की चीज आधारहीन कोई तत्व ही नहीं कहीं। बृजन भैया जिंदाबाद किनारे बिल्कुल रोजगार के लिए क्या करता हूँ? अब करेंगे अब आने अब आने वाले समय में भरोसा नहीं कर रहे थे सरकार पे। किस पे? कमलनाथ जी की सरकार। कमलनाथ जी उनका इनका तो भरोसा करो कि वे करें। जो उनकी विधायकों की कोई सुनवाई नहीं थी उनकी सरकार में, तो वो एकदम विधायक खुद नहीं सुनवाई करा पा रहे थे। नहीं तो अब 2 महीने में कार्य हो गया उतना जितना 15 महीने में नहीं हुआ। अब अभी 51 करोड़ का वो मंगावली में कार्य करवाया था संदीप सब कुमार और मुख्यमंत्री जी आए थे अभी, बहुत कार्य हुए हैं। और सर क्या हालचाल है? ठीक है सब। क्या अच्छा क्या कहना चाहते सरकार तो बिल्कुल बनते है बन ही रही है भाजपा की सरकार। भाजपा की भैया कह रहे बन गई? नहीं तो हाँ तो बिल्कुल है ना बनेगी ही, क्योंकि कांग्रेस को 28 सीटों पे चुनाव हो रहा है, उन्हें 28 जीतना है और हमें तो सिर्फ 8 और 9 चाहिए, तो बुद्धे तो जीत के आएंगे, ये थोड़ी 28 के 28 जीतेंगे। तो आप जो मानना है कि मतलब स्थिति बड़ी गंभीर है, आप पार्टी जीत पे हो? नहीं बिल्कुल हम बहुत 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 जीत के आ रहे हैं और बिल्कुल कम से कम 15 से 20 सीटें हम जीतेंगे। 15 से 20 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं बताओ? हमारे महाराज के साथ गद्दारी हुई है। महाराज के साथ? हाँ। क्या तुम्हारे विधायक के साथ? नहीं हमारे महाराज के साथ, उनको मुख्यमंत्री नाम आ गया, आते आते उनने नाम को बदल दिया। कमलनाथ जी का पीछे था, उनका आगे था, फिर कमलनाथ जी का नाम ओपन कर दिया, उनका नाम हटा दिया महाराज, इसीलिए हम तो नाराज हैं। आप महाराज की वजह से नाराज हो? हाँ। महाराज कैबिनेट मंत्री भी कांग्रेस में रहे, बड़ा पद मिले, कम उम्र में अच्छी खास उन्हें पद पे भी रहे कांग्रेस में, जब नाराज ही नहीं भाई? नहीं नहीं जैसे ही हारे लोकसभा चुनाव में नाराज, उनके चेहरा से ही उनको मुख्यमंत्री बनाया। लोकसभा चुनाव हारे से नाराजगी? सिंधिया जी हमारे चुनाव हारना जीतना बात अलग है ना, मतलब महाराज को जो फोटो बता के उनके चेहरा पे बना के बूढ़े से ब्याह नहीं होता, चेहरा बचा के वीर बूढ़े से ब्याह नहीं होता। या पूरी कहानी सुना है समझ? नहीं देखिए सिंधिया जी का चेहरा आगे करके आपने चुनाव लड़ा, सीटें आपकी सिंधिया जी की देन थी,
और इसके बाद आपने एक नया चेहरा जो कमलनाथ जी, हम नाम ही यहाँ की जनता में कोई कमलनाथ जी कोई नाम ही नहीं सुनाता, वो तो केंद्र में काम, कमल का फूल जानते हैं, कमल का फूल तो खिला है, कमल का फूल ही खिल रहा है। आप तो 15 से 20, मैं कह रहा हूँ कि 28 में से अगर 2 सीट भी कांग्रेस ले जाए तो ये तो अतिशयोक्ति है। हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही, जितने महाराज होते फूल, अच्छा महाराज कांग्रेस में थे जब आपका फूल खराब लगा तो नहीं, फूल का महाराज विकास के साथ थे, आज भी है उनका, हमारी देन है, कौन सी इंडस्ट्री लगवा रही, उनका हमारा पुल करवाया, हमारी नदी का पुल, हमारे बच्चे कभी पढ़ने नहीं आते, तो ये कांग्रेस में थे नहीं, उनकी देन है जो पुल किया उनने, लिफ्ट एरिगेशन महाराज साहब की देन है, जो आज है ना हमारा बर्री से लेके बर्री खोपरा पूरा गांव नरखेड़ तक सिंचन, राम लोधी जो आरोप लगा रहे हैं महाराज बे चीजें गिनाओ जो उनने कराई नहीं है, नहीं महाराज साहब ने उन्हीं के साथ में रखू, अरे उन्हीं के साथ में रहे, कन्हैया राम तो टिकट के चक्कर में लोग में चले गए, महाराज के ही साथ थे, कांग्रेस में ही थे, वो विकास के साथ आज भी हम वही है महाराज, कहा कहना चाह रहे बोलो ना, हम कचुरी के भाषण सुन में आए, भाषण सुनने भैया आप लोग बताओ क्या हाल चाल है, कोई शक नहीं है यहाँ पर कन्हैया राम लोधी जी जीतेगा बिल्कुल, अरे बीजेपी की बड़ी लहर देख रही थे, तो बीजेपी की कोई लहर नहीं है, बीजेपी वाले तो बोलेंगे ही, यहाँ से कोई शक नहीं है, कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से जीत हासिल करेगा, सिंधिया ने जो करे वो कैसा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ नहीं किया, वो चुनाव हार गए और हार कर जो उनके साथी विधायक थे उन्हें खरीद लिए गए हैं, तो कमलनाथ जी की कोई गलती नहीं थी, मध्य प्रदेश के अंदर 27 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है, 27 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है, और इसमें कोई शक नहीं है, कन्हैया राम लोधी यहाँ से विधायक बनेंगे, देखिए शांत रहिए, देखो बेटे जो नहीं बढ़ाओ, अगर देखिए एक देखिए आप बहुत अच्छी बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे देखिए इसलिए नारे लगा रहे, कांग्रेस के गिने चुने 2 लोग हैं बेचारों को दबाया जा रहा है, क्या कहेंगे भैया, ब्रजेंद्र सिंह हारेंगे कन्हैया राम लोधी जीतेगा, कैसे जीत जाए, की बेस पे जीत जाए, की बेस पे जीत, दल बदले पे जीतेंगे, दल बदलू पे, बड़ा नाराजगी है और काल चाल है रोजगार को लेकर, रोजगार ठीक है, ठीक है रोजगार, रोजगार मिल रहा होता है, खुली का खुली नहीं, खुली नहीं, लेकिन सिंधिया जी ने बहुत कुछ करवाया है कांग्रेस के जमाने में, करवाया है कांग्रेस के जमाने में सिंधिया जी ने करा, अब बीजेपी में उनका साथ नहीं दिया कांग्रेस ने, इसलिए वो बीजेपी 16 साल से तो कांग्रेस ही में थे, नहीं भले थे उन्होंने काम तो कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, मुख्यमंत्री ने साथ नहीं दिया उनका, कमलनाथ जी से नाराजगी है, क्या लॉकडाउन में कैसी कटी जिंदगी तुम्हारी, थोड़ी कब डिफिकल्टी आई, डिफिकल्टी का रही बताओ, निकल नहीं पाए और गृहस्थी का काम भी थोड़ा, पेंशन वेंशन मिली, पेंशन तो हमको मिलती है, अभी हाँ मिला, और कुछ नहीं मिला, और कहा, और कौन सी दिक्कत है तुम्हें सरकार से जाकर पंचा को, सरकार से पूरी दिक्कत है, कहा है हमें तो भेज है, भेज दिया हमको आपको सबको, भेज दो क्यों नहीं, भेज दो क्यों, शिवराज सिंह जी ने, शिवराज सिंह जी ने, और क्या सिंधिया ने, शिवराज सिंह जी, शिवराज सिंह ने जी, जैन साहब एक चीज, महंगाई को मुद्दा देख रहे हैं, थोड़ी सी बात करें आप लोग, महंगाई को लेकर बात करें, बहुत अच्छी बात, आइए एक दो मुद्दे और बात करते हैं, महंगाई को लेकर क्या लोग बात करते, शांत रहिए महंगाई कोई मुद्दा है नहीं, नहीं महंगाई का कोई भी मुद्दा नहीं है, जिस तरीके से सामान हर चीज के भाव बढ़ रहा है इस तरह से कोई भी महंगाई का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, महंगाई आलू नहीं, आज मेरे आपको देश की स्थिति, किसान की फसलों को भी बहुत अच्छे भाव है, नहीं नहीं खराब नहीं, लॉकडाउन के कारण कोरोना महामारी के कारण कुछ अव्यवस्थाएं हो गई, आपके बगल के राज्य में डीजल का भाव कछु है, आपके भाव में कछु है, नहीं डीजल का भाव देखना, ये टैक्स का मसला है, ये केंद्र कहाँ से, नहीं 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 लूटने, मामा की योजना, मामा की क्या क्या योजना है, अभी 101 नहीं 101 योजना है अभी बंद कर दी थी कमलनाथ, अरे गिनाने के लिए तो बहुत सी है जो बंद,
अभी कन्यादान को बहुत सी लगे गिनानी पा रहा है, कन्यादान योजना थी उसमें 51,000 रुपए कर दिए। देखिए अब 51,000 में किसी को मिले हो तो बताइए, जब भी अच्छी नहीं मिले। कौन कमलनाथ जी की सरकार में नहीं दिए, नहीं मम्मा की सरकार में क्यों नहीं मिले, हर हर किसी के खाते में आए थे। जो संबल योजना बंद कर दी थी, कैसी कैसी योजना थी जो जो की घोटाला घोटाला में उसमें किसे निकला, नहीं जांच क्यों नहीं करी, वो तो निकल रहा है बाहर, बिल्कुल चल चल रही है, बाकायदा जांच नहीं हो रही, चलत रहे नहीं, जो दोषी है सजा मिल रही है उनको, बाकायदा जेल में भी रहे हैं। देखिए लोग नारे लगा रहे हैं, आज आप लोगों के लिए कवरेज कर रहे हैं।